अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ कलम आज तक चैनल। साथियों, जिस तरीके से मेवात ज़िले में 55 और 19 साल का मामला सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा था, आखिरकार हमने सोचा कि उन जिनकी बात ये सोशल मीडिया पर फैल रही है उस शख्स से मिलना बेहद ज़रूरी था, जो शमीम नाम के जो शख्स था जिन्होंने कोर्ट में रीज करके और निकाह के दायरे में रोककर हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार उसमें सच्चाई क्या है, किस तरीके से उन्होंने शादी की है, क्या इन्होंने उसको भगा कर शादी की है, या हकीकत जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या हुआ था इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जिस तरीके से आपके बारे में सोशल मीडिया पर खबर जारी हो रही है कि भाई उन्होंने शादी की है, 55-19 साल का ये मैटर नया आ गया है, तो क्या है जिसमें सच्चाई, आपने शादी किस तरीके से की है? इसमें क्या है जी, अब ये लेडीज़ बोलती है जी 55 साल की उम्र है, ये है वो, अब जाहिर सी बात शुरू का सर में जो झूठ बोल रही है तो आगे उनके आप भी सोच सकते हो क्या कह रही है। उनकी ये सरासर झूठ है, जुलम है, वो खुद ही खानदानी दिख रही है बात करती हुई कैसी है वो। उसके बाद में इनका रिश्ता 2018 में हुआ था और 2018 में ख़राब भी हो गया, तो ख़राब होने के बाद में इन लोगों ने रिश्ता ना तो इनका कोर्ट कचहरी हो गए, थाने हो गए और सब रिश्ता एक साइड हो गया, यानी तीन तलाक हो गई, यानी कानून के दायरा में तीन तलाक हो गई और बिरादरी लाइन में तीन तलाक हो गई। यानी कि जो आपके घर में जो अब आई है, जो आपने ये रिश्ता किया है, वो जो लेडीज़ थी वो पहले तलाकनामा ले चुकी है? हाँ जी, ले चुकी है। अच्छा, इसका आपके पास कोई सबूत है? मेरे पास पूरा सबूत है जी, पूरा कागजात है, पूरा सबूत है। शमीम जी, जिस तरीके से आपने इसको अपनी वाइफ बनाया है, निकाह और कोर्ट मैरिज के तहत आपने काम किया है, क्या आपकी पहले शादी नहीं हो रखी थी? नहीं, मेरी पहले शादी हो रखी थी, लेकिन हमारे इस्लाम की इजाज़त दी है एक से दो तीन चार तक यानी शादी कर सकता है। आपकी उम्र कितनी है जी? मेरी उम्र 35-36 साल। और जो आपकी मिसेज, आपकी जो घरवाली, उसकी उम्र कितनी है? यानी पहली की जो आपने अब नई शादी की है, इसकी उम्र है जी शायद 24-25 के दरमियान। नाम क्या है आपकी वाइफ का? इसका शबनम। इसके वजह से जो आपने शादी की है, आपके घर में परिवार में सब में सुकून और इत्मीनान से है ना? नहीं, हमारे खूब सुकून, खूब इत्मीनान, प्यार मोहब्बत से रहती हैं दोनों, जैसे एक बहन रहती है इस तरीके से रहती हैं, और कभी वो जाती है मिलने के लिए, कभी वो जाती है। फिलहाल सब नंबर गाँव में है, खूब खुशी से गई है, खुशी से आ जाइए। यानी कि आपने जो दूसरी शादी की है, अब से पहले आपकी वाइफ थी और बच्चे वगैरह भी थे उससे, लेकिन वो कोई एतराज़ वगैरह नहीं कर रही? नहीं, कोई एतराज़, जब हमारे इस्लाम के अंदर एतराज़ नहीं तो हम क्यों एतराज़ करेंगे। आखिर जिस तरीके से आपके बारे में ये 55-19 साल का मामला हो रहा था, तो आप आवाम जनता के लिए क्या संदेश भेजोगे, जो आपकी उम्र को ज़्यादा बताया जा रहा है? वो संदेश दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। मेरे डॉक्यूमेंट चेक करा जा रहा है, मेरी उम्र 35-36 साल है जी और उसकी उम्र 24-25 साल है। ठीक, लेकिन जो लोग इनको बदनाम कर रहे हैं, जो फजूल बात कर रहे हैं, वो बेकार कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि इन्होंने जो लड़की के जो परिवार है वो भी रजामंदी के साथ उन्होंने इसके घर में ये लड़की दी है, और जो इसके साथ जो पहली बीवी थी वो भी राजी के साथ है, उस वो भी खुश है इस चीज़ में, वो भी एतराज़ नहीं कर पा रही है, तो अब इस चीज़ में एतराज़ कौन करेगा? तो इसलिए इसको बदनाम बेफिजूल किया जा रहा है, ये बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शरीयत जिस चीज़ की इजाज़त दे रही है, शरीयत के दायरे के अंदर रहकर जब इसे वो शादी कर रहा है, तो कोई एतराज़ की बात नहीं है।